Okay, good morning. Let's start the first chapter. Okay, in the previous class we have already studied about what is resources. Okay, in that class we study that resources is the substance that present in our environment. Okay, and they have the capacity to satisfy our needs. At the same time, they are economically feasible, technologically accessible, and culturally acceptable. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Anyone have any doubt from the previous class? You can ask. No doubt? Sir. Yes. सर अगर हमें पेन चाहिए और वो पेन को हम एफोर्ड भी कर रहे हैं, पैसा है मेरे पास बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं ना होगा अवेलेबल नहीं वो रिसोर्सेज नहीं होगा अवेलेबिलिटी भी जरूरी है ठीक है ओके नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज Types of resources. Okay. देखो जो resources है ना इसका जो हम लोग classification करेंगे वो different base पे किया जाएगा Is this clear? जो resources का classification होगा वो different base पे होगा ठीक है जैसे on the base of level of different, on the base of level of development, ठीक है on the base of origin on the base of accessibility okay on the base of ownership on the base of utility ye base hai jiske base pe hum log kya karenge resources ka classification karenge to sabse pehla hamara base kya hai on the base of level of development on the base of level of डेवलपमेंट ओके तो ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट देर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेस द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेस इट इज क्लियर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द पोटेंशियल रिसोर्सेस potential resources now can anyone tell me what do you mean by actual resources those resources you are using at present yes sabse pehle dekho jo actual resources hum log us resources ko bolenge jisse exact quantity known ho kya known ho exact quantity क्या हो बेटा जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नोन हो एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेस इन प्रेजेंट एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेस ओके तो एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस quantity is known to us and wait a minute am I visible the screen is visible to you or not चलो कोई बात नहीं है देखो एक्चुअल रिसोर्सेस क्या होता है जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें नोन है इसका मतलब क्या है किसी भी चीज का क्वांटिटी नोन कब होगा जब हम उस रिसोर्सेस का सर्वे किए होंगे यस और नो
तो सर्वे करने के बाद क्या होगा, अगर उसकी एग्जैक्ट और एग्जैक्ट क्वांटिटी नोन होने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज। किसी कोई डाउट है? नो सर। तो अब मैंने आपको डेफिनेशन बताया, कोई एग्जांपल बता सकते हो कि एक्चुअल रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? कोल। यस, जैसे देखो छोटा नागपुर प्लेटू, नाम सुना है? छोटा नागपुर प्लेटू का नाम सुना है? यस सर। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू हम लोग क्या बोलते हैं, रूर ऑफ इंडिया। तो छोटा नागपुर प्लेटू की खासियत क्या है, वो अपने मिनरल डिपोजिशन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मिनरल डिपोजिशन। ठीक है, तो आपको जो छोटा नागपुर प्लेटू है उस एरिया में जो कोल्स पाए जाते हैं, मेनली जो भारत के जो स्टेट हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट में जो छोटा नागपुर प्लेटू है उस रीजन में जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं, मेनली जो कोल पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्चुअल रिसोर्सेस का। इज क्लियर? यस सर। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रिच डिपोजिशन ऑफ कोल इन द रूर रीजन ऑफ जर्मनी। जैसे इंडिया का रूर किसको बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू को? झारखंड। नो, छोटा नागपुर प्लेटू, और वो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के बेल्ट में आता है, ठीक है। उसी तरह जर्मनी का भी जो रूर है, जो कोल रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं रूर ऑफ जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एग्जाम्पल हो गया किसका, एक्चुअल रिसोर्सेज का। इट इज क्लियर? अब देखो किसी रिसोर्सेज को हम यूज कब करेंगे, जब वो रिसोर्सेस हमारे लिए क्या होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, है कि नहीं? जब वो रिसोर्सेस हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हो, एट द सेम टाइम वो रिसोर्सेस क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब जो जो छोटा नागपुर प्लेटू में जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं वो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है कि नहीं, और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इसलिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, एक्चुअल रिसोर्सेज का। अब एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, सपोज करो कि ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, और इस एरिया में आपको पता चला कि यहां पे कोल है, ठीक है, लेकिन जब आप विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आपने सर्वे किया, क्या किया आपने, जब सर्वे किया तो आप क्या पाएंगे, आपने पाया कि आफ्टर सर्वे आपने क्या देखा कि इस एरिया में अप्रोक्स 100 टन ही कोल पाया जाता, कितना टन, 100 टन, ठीक है। मानो इस 100 टन से जिसका इसका कॉस्ट होगा, जो इस 100 टन कोल का जो कॉस्ट होगा, मान लो 50 करोड़ रुपीज है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ, लेकिन इस 100 टन्स जो कोल है, इसको एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस में मान लो आपको 70 करोड़ रुपीज लग रहा है, कितना लग रहा है, 70 करोड़ रुपीज। अब ये बताओ, क्या तुम इस कोल को एक्सट्रैक्ट करोगे? बताइए देवा, बोलो बेटा, क्यों नहीं करोगे यूज? खुशबू कुमारी, ओप्पो A3S, नाम लिख ले बेटा अपना। रोशनी कुमारी, बताओ बेटा, इस कोल को हम लोग यूज क्यों नहीं करेंगे, इस कोल को हम लोग एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? आशीष, डोंट लाफ,
Supriya, Avinash, Prince, Manuraj, open your video. ठीक है ज्योति, ओपन योर वीडियो. मैं पूछ रहा हूं कि हम लोग इस कॉल को यूज एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे. एक चीज देखो, इस कॉल का कितना है, कॉल का जो इकोनॉमिकल वैल्यू कितना, 50 करोड़ रुपीस. इस पे जो हमारा कॉस्ट आ रहा है 70 करोड़ रुपीस, क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल है? नो सर. भाई जितना उसका इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा उस पर तुमको एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो तुम इस कॉल को एक्सट्रैक्ट क्यों करोगे? ये कॉल क्या हुआ, हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ. इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल. व्हाई? बिकॉज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस कॉल इज 50 करोड़ रुपीस एंड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इट वी हैव टू एक्सपेंड 70 करोड़ रुपीज. दैट्स व्हाई दिस कॉल इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल टू अस. सो दिस कॉल इज नॉट कॉल्ड resources for us. It is clear? Yes, sir. It is clear? Yes, sir. Yes or no? Sir. Yes, sir. Yes. You are not audible to me. Your sound is not audible to me, okay? What you ask, I cannot hear. Okay. So, on the base of level of development, how many types of resources are there? There are two types of resources. The first one is called the actual resources, and the second one is called the potential resources. Now, what is actual resources? The resources whose quantity is known to us, and at the same time, we are using that resources in present. तो जो actual resources होता है वो present में क्या किए जाते हैं, use किए जाते हैं. Is this clear? Example क्या होगा, जैसे जो छोटा नागपुर प्लेटू है जिसको हम लोग रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, पाए जाने वाले resources वो क्या है, example है किसके, actual resources के. जो petrol हम लोग use करते हैं वो example है किसके, actual resources के. Clear? मानो मोबाइल फोन, अभी आप जिस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो वो क्या है, एग्जांपल है किसका, एक्चुअल रिसोर्सेज का. कल्पना म्यूट करके रखो पीछे से. ठीक है, अब जो दूसरा टाइप्स है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है बेटा, अब पोटेंशियल सब आप लोग नॉर्मली सुने होंगे, जो टीचर आप लोग को बोलते हैं कि आप में पोटेंशियल है ये काम करने का, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो. ऐसा कभी कभी सुने हो? यस सर. यस सर. आपको टीचर बोलते हैं ना कि बेटा आप ये काम को कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है इस चीज को करने का. ठीक है, कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो, ऐसा होता है ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताओ क्या आप उस समय इस उस काम को कर रहे होते हो क्या? नो सर. नो सर, आप उस समय उस काम को नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कर सकते हो. कब? जब आप मेहनत कर सकते हो. यस और नो? यस सर. अब देखो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, कुछ पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है वो भी कुछ इसी टाइप का रिसोर्सेज होता है. पोटेंशियल रिसोर्सेस भी क्या होता है, कुछ उसी टाइप का रिसोर्सेस होता है. मतलब जिस रिसोर्सेस में पोटेंशियल हो, क्या हो बेटा, पोटेंशियल, जिस रिसोर्सेस में पोटेंशियल हो किस चीज का, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. ओके, पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग दिस रिसोर्सेस एट प्रेजेंट. वी आर नॉट यूजिंग दिस रिसोर्सेस एट प्रेजेंट, बट
in future we can use it. It is clear? Yes. तो मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल रिसोर्सेस किस रिसोर्सेस के बोलेंगे? तो वैसा रिसोर्सेस जिसमें क्या हो, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल हो, करने का पोटेंशियल हो. क्या हो बेटा? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल हो. लेकिन नहीं क्या आती है, रिसोर्सेस को हम लोग प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं. क्या नहीं करते हैं? प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं. प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. बट फ्यूचर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? में यूज कर सकते हैं. तो वैसे रिसोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेस. पोटेंशियल रिसोर्सेस. इज दिस क्लियर? यस सर. सर किसी को डाउट yes, है? दिलकास? नो सर. मनुराज? ज्योति? यस सर. प्रिंस? वैभव? ये ओपो क्या नाम है? सम्स जो नाम है? रोशनी? अविनाश? प्रिंस? सर रिसोर्सेस आपको समझ में आया कि नहीं? सर हाँ बोलो कि बेटा क्या डाउट है? सर पोटेंशियल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है. पोटेंशियल का देखो बेटा मैंने क्या बोला, आपको टीचर हमेशा क्लास में क्या बोलते हैं कि बेटा तुम में पोटेंशियल है इस चीज को करने का, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तभी आप इस काम को कर सकते हो. ऐसा कर सकते हो टीचर से? आप लोग जिसको प्रॉब्लम नहीं है बैकग्राउंड को म्यूट करके रखें, प्लीज म्यूट करके रखें. बार बार मैं बोल रहा हूं, जो डाउट पूछने के बाद अपने बैकग्राउंड को म्यूट कर लें, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूं बेटा कि पोटेंशियल रिसोर्सेस आप नॉर्मली अपने टीचर को सुनते होंगे, वो आपको क्या बोलते हैं कि बेटा आप में पोटेंशियल है इस काम को करने का, बशर्ते अगर आप मेहनत करोगे तो. इसका मतलब क्या है? क्या आप उस काम को उस समय करते हो? यस सर. नहीं करते हो? नो सर. नो सर. फ्यूचर में कर सकते हो जब तुम मेहनत करोगे. नहीं यस सर. मेहनत तो पोटेंशियल रिसोर्सेस भी कुछ उसी टाइप का रिसोर्सेस होता है. क्या होता है? जिसमें ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल हो. क्या हो बेटा? जिस रिसोर्सेस ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल हो, ठीक है? लेकिन उस रिसोर्सेस को हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करते हैं. क्या नहीं करते हैं? प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं. उसको क्या करेंगे? फ्यूचर में यूज करेंगे. फ्यूचर में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेस. पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है? आप लोग देखते हैं आप लोग के घर में क्या होता है, जो फार्मर होंगे देखते होंगे, लोग क्या करते हैं, कुछ स्टॉक करके रखते हैं. जो अगर बाढ़ के समय आएगा तो हम इस चीज को यूज करेंगे. जो फूड ग्रेन होते हैं उसको लोग स्टॉक करके रखते हैं. क्यों यूज स्टॉक करके रखते हैं? कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए उस समय मैं इस रिसोर्सेस को यूज करूंगा. तो वैसा रिसोर्सेस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल रिसोर्सेस. पोटेंशियल. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नॉट? यस. सैम्स क्लियर बेटा? सैम्स समझ आ रहा है? यस सर. यस सर. चलो अब कोई एग्जांपल बताओगे इसका? एग्जांपल बताओगे? देखो हजरात गुजरात का नाम सुना है? गुजरात में जो वेस्टर्न साइड है, गुजरात या राजस्थान, ठीक है? कौन सा साइड है? वेस्टर्न साइड. वहां पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, सॉरी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है. यस और नो? यस सर. यस. क्या हम इस विंड और सोलर एनर्जी को
पूरे के पूरे यूज करते हैं? नो सर, नहीं करते हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया? पोटेंशियल रिसोर्सेज का। आज भी देखो, आपको हम लोग जानते हैं कि अर्थ के ऊपर मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट कौन है, एनर्जी का सोर्स क्या है अर्थ के ऊपर? अर्थ के ऊपर एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। सन है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इज दिस क्लियर? अब बताओ, yes, हमको यहाँ भी सोलर एनर्जी मिलता है? सोलर एनर्जी मिलता है क्या? हम सारे के सारे सोलर एनर्जी को यूजिंग सोलर पैनल यूज करते हैं? लेकिन फ्यूचर में जब और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, क्या होगा बेटा? टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट होगा, क्या हम लोग इस रिसोर्सेस को यूज करेंगे ना? यस सर। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? पोटेंशियल रिसोर्सेस का। इट इज क्लियर? यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द पोटेंशियल रिसोर्सेस। ओके, वी हैव स्टडीड दैट एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस whose quantity is known to us as well as we are using that resource. Is clear? Now, potential resources are those resources which had the potential to satisfy the human needs, but we are not using these resources at present. In future, we may use these resources. This type of resources is called the potential resources. Is it clear to all or not? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. आप लोग लिख भी रहे हो ना साथ साथ? हाँ, मैं पूछूंगा भी कल से, मैं पूछूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पूछूंगा। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो वहीं पे कैमरा के सामने कान पकड़ के उठा बैठी करने के लिए। समझ में आ रहा है? चलो मैं इसको अरेज कर दूं। चला अरेज द स्क्रीन। यस, बी फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। जो नहीं लिख पा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। रुक जाइए। जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप उस पर अपना वीडियो ऑन करके रखो यार, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस और नो? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, सुन पा रहे हो? हाँ जी, सुन पा रहे हो? अरे यार, सुन पा रहे हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सुन पा रहे हो हमको वैभव? यस सर। सुन पा रहे हो ना? यस सर। ओके, तो मैंने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा जो किसके बेस में था, ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे On the base of accessibility. इसके बेस पे रीजन है एग्जिस्टेबिलिटी के बेस पे। ठीक है, एग्जिस्टेबिलिटी के बेस पे पढ़ेंगे डिविजन या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो, जो एग्जिस्टेबिलिटी है ना, एग्जिस्टेबिलिटी का मतलब क्या था? खत्म होना, लास्ट होना। It is clear? तो इसके बेस पे भी जो रिसोर्सेस होते हैं, इसके टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं?
कितने टाइप होते हैं बेटा? टू टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और जो सेकंड टाइप होता है उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कोई बताओ कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम उसे कहते हैं जिसे हम एक बार यूज करने के बाद क्विकली दोबारा भी यूज कर सकते हैं। दोबारा भी यूज कर सकते हैं। कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर तुम सिंपल तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है कि मैं वैसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल सकते हैं जिसमें क्या हो, रीयूजेबिलिटी हो। ये चीज है जिसमें क्या रीयूजेबिलिटी हो उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो ये सब डिफिनेशन में क्या होता है, बहुत लोग क्या बोलेंगे तुमको कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग उस रिसोर्सेज को बोलेंगे जिसको हम लोग क्या कर सके, एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज कर सके, उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन हम लोग इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन हो और जिससे उसका सेंस पूरे क्लियर आ जाए। ठीक है, देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग उस रिसोर्सेज को बोलेंगे, ध्यान से सुनना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग उस रिसोर्सेज को बोलेंगे जिसका एग्जिस्टेंस क्या बेटा, जिसका एग्जिस्टेंस कब तक रहे, जब तक अर्थ का एग्जिस्टेंस रहे। बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में? यस सर। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम लोग उस रिसोर्सेस को बोलेंगे जिसका की एग्जिस्टेंस क्या चीज बेटा, एग्जिस्टेंस कब तक रहे, जब तक अर्थ का एग्जिस्टेंस रहे। ओके, मतलब क्या, वो रिसोर्सेस तभी लास्ट कर सकता है जब अर्थ क्या हो, खत्म हो जाए। अगर अर्थ है तो वो रिसोर्सेस है, अर्थ खत्म वो रिसोर्सेस खत्म। तो वैसे रिसोर्सेस हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। सर कोई भी ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया हो? द रिसोर्सेस व्हिच प्रेजेंट टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इट इज क्लियर? द रिसोर्सेस व्हिच प्रेजेंट टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ is called renewable resources. अब एक example देखते हैं। Sir, rock. Rock? अंडे। यहाँ पे देखते हैं बेटा। Solar energy. Coal. अच्छा ये बताओ, क्या coal example हो सकता है renewable resources का? Yes sir. नहीं हो सकता बेटा। अगर तुम coal को ज़्यादा से ज़्यादा amount में use करो तो अर्थ के एग्जिस्टेंस से पहले कोल खत्म हो जाएगा। सलाइन वाटर। ठीक है, अगर आप कोल को ग्रास, अगर आप कोल को जो रेट ऑफ यूजबिलिटी है कोल का, ठीक है, मतलब कंजप्शन रेट, आप क्या करो कोल को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे उसका जो वॉल्यूम है जो अर्थ पे है वो डिक्रीज कर जाएगा। हाँ समझ में आई? तो देखो जो सोलर एनर्जी है क्या बेटा, जो सोलर एनर्जी है ये बताओ, ये जो सोलर एनर्जी कब तक रहेगा? हाँ जी, ये सोलर एनर्जी कब तक रहेगा? जब तक अर्थ रहेगा। जब तक अर्थ रहेगा तब तक आपको क्या मिलता रहेगा, सोलर एनर्जी। इतना भी सोलर एनर्जी को यूज कर लो वो सोलर एनर्जी खत्म होने वाला नहीं है। कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि अर्थ खत्म नहीं होता है। अर्थ खत्म, सोलर एनर्जी क्या होगा,
अर्थ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा खुशबू कुमारी, बात समझ में आया? चलो विंड एनर्जी, विंड एनर्जी आपको कब तक मिलेगा? विंड एनर्जी आपको कब तक मिलेगा? जब तक अर्थ है, जब तक अर्थ रहेगा। अर्थ खत्म, विंड एनर्जी खत्म, है कि नहीं? यस सर। वाटर, वाटर क्या वाटर साइकिल होता है? यस सर। तो वाटर आपको कब तक मिलता रहेगा? जब तक अर्थ रहेगा। समस्या आता है क्या चीज, कि मैं जब ये वाटर बोल रहा हूं तो मैं इसमें फ्रेश वाटर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर। इट इज क्लियर? फ्रेश वाटर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो फ्रेश रिसोर्सेज, जो फ्रेश वाटर होंगे वो क्या होगा, अगर आप उसके कंजप्शन रेट को इंक्रीज कर दो, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, और एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, ये फ्रेश वाटर लास्ट हो जाएगा अर्थ के खत्म होने से पहले। इसलिए फ्रेश वाटर इज नॉट द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? हाँ नो सर। तो ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, बोल सकते हो? आ गया समझ। आ गया प्रिंस, समझ में आया बेटा? सर आ गया। चलो तो हमेशा दिमाग में बस एक ही चीज को याद रखना कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होंगे जो कब तक रहेंगे, जब तक क्या रहेगा मेरा अर्थ रहेगा। अर्थ खत्म वो रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी का नाम सुने हो? यस सर। यस सर। जो ओशन में क्या होता है, जो वेव जनरेट होता है, जो क्रस्ट एंड ट्रफ जनरेट होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। इज क्लियर? तो टाइडल एनर्जी भी आपको कब तक मिलेगा, जब तक अर्थ का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो आप लोग लिख लो रिन्यूएबल एनर्जी का, द रिसोर्सेस दैट प्रेजेंट ऑन अर्थ टिल द existence of earth is called renewable resources. Is called renewable resources. It is clear? किसी कोई doubt है इसमें? स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम मत वेस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है? अब एक चीज में क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग से, क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यार म्यूट कर लो आप अपने बैकग्राउंड को, ज्योति कुमारी जब भी आप नहीं बोल रहे हो म्यूट कर लो। देखो अब मैं यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सैम्स यार यहां देख ले, 40 मिनट 45 मिनट नहीं आराम से पढ़ सकते हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आराम से जवाब देना, क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कंजप्शन रेट पे डिपेंड करेगा? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस का वॉल्यूम है, क्या ये वॉल्यूम कंजप्शन रेट पे डिपेंड करेगा? यस और नो? मैं क्या पूछ रहा हूं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, क्या इस रिन्यूएबल रिसोर्सेस का वॉल्यूम कंजम्पशन रेट पे डिपेंड करेगा? बोलो यार मानव।
देखो वॉल्यूम कहने का मतलब क्या कि अर्थ पे कितने अमाउंट में वो रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या उस रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी जो है वो उसके कंजप्शन रेट पे डिपेंड करेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है कभी भी कंजप्शन रेट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? क्योंकि तो जब तक अर्थ रहेगा तब तक उस रिसोर्सेस को रहना है। इट इज क्लियर? यस। टाइम खत्म हो रही है, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो हमेशा याद रखना कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होंगे उस रिन्यूएबल रिसोर्सेस का वॉल्यूम कभी भी कंजप्शन रेट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? कंजप्शन रेट से। इट इज क्लियर? आप कितना भी यूज कर लो उस रिसोर्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज क्लियर? यस।